नमस्कार, आप देख रहे हैं टुडे 24 न्यूज और मैं हूँ आपके साथ साक्षी निर्माण। आइए शुरुआत करते हैं आज की कुछ बड़ी खबरों से। यूपी के बांदा में पुलिस को एक बड़ी सफलता हाथ लगी है, जहां पर पुलिस ने अवैध शस्त्रों का निर्माण, संग्रहण व बिक्री करने वाले 3 आरोपियों को गिरफ्तार किया और अभियुक्तों द्वारा काफी समय से अवैध शस्त्रों का निर्माण कर आसपास के जनपदों में 4,000 से 5,000 में उसकी बिक्री की जाती थी। सूचना पर छापेमारी में पुलिस ने 3 आरोपियों को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया है। आपको बता दें कि मामला जनपद बांदा के बिसंडा थाना क्षेत्र के हस्तम गांव से सामने आया है, जहां पर पुलिस अधीक्षक के कुशल निर्देशन में जनपद में अपराध एवं अपराधियों पर नियंत्रण लगाए जाने तथा अवैध शस्त्रों का निर्माण, संग्रहण व बिक्री करने वाले अभियुक्तों के विरुद्ध कार्यवाही की जा रही है। इसी क्रम में सीओ बबेरू के पर्यवेक्षण में बिसंडा पुलिस द्वारा हस्तम गांव के पास खेत में बोर के पास शस्त्रों के अवैध निर्माण किए जाने की सूचना मिली। सूचना पर तत्काल संज्ञान लेते हुए पुलिस की टीम ने छापेमारी करते हुए मौके से भारी मात्रा में निर्मित व अर्ध निर्मित अवैध तमंचा व कारतूस हुआ बनाने के उपकरणों के साथ 3 अभियुक्तों को गिरफ्तार कर लिया। यह अभियुक्त काफी समय से अवैध शस्त्रों का निर्माण कर आसपास के जनपदों में 4,000 से 5,000 में बिक्री करते थे। पुलिस ने गिरफ्तार अभियुक्तों के पास से 4 अदद अवैध देसी तमंचा 315 बोर, 4 अदद अवैध जिंदा कारतूस 315 बोर, 4 अदद अर्ध निर्मित तमंचा 315 बोर, 19 अदद खोखा कारतूस एवं भारी मात्रा में बनाने वाली सामग्री, धौकीनी, ड्रिल मशीन, छैनी तथा शस्त्र बनाने के अन्य उपकरण भी बरामद किए। पूरे मामले में पुलिस ने 3 अभियुक्तों को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया है।